हमारा सौर मंडल एक विशाल और रहस्यमय जगह है। यह ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों से भरा है। सदियों से इंसानों ने तारों को देखा है और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचा है। हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है, ग्रह कैसे दिखते हैं, क्या हम अकेले हैं? इन सवालों के जवाब देने के लिए हम रोबोटिक खोजकर्ताओं को महान अज्ञात में भेजते हैं। इन खोजकर्ताओं को अंतरिक्ष यान कहा जाता है। वे अंतरिक्ष में हमारी आंखें और कान हैं। अंतरिक्ष यान दूर के ग्रहों और चंद्रमाओं की यात्रा करते हैं, मूल्यवान डेटा एकत्र करते हैं और उसे पृथ्वी पर वापस भेजते हैं। वे हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं। एक छोटे से अंतरिक्ष यान की कल्पना करो जो उपकरणों से भरा हुआ है, शून्य के माध्यम से घूम रहा है। यह मानवता की आशाओं और सपनों को लेकर एक दूर के ग्रह पर एक मिशन पर है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण का जादू है। अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा के माध्यम से हम ब्रह्मांडीय खोज के एक साहसिक कार्य पर निकलते हैं, मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। सभी अंतरिक्ष यान एक जैसे नहीं होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रत्येक को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। आइए उनमें से तीन से मिले, फ्लाईबाय प्रोब, ऑन ऑर्बिटर और लैंडर। फ्लाईबाय प्रोब ब्रह्मांडीय पर्यटकों की तरह है। वे एक ग्रह या चंद्रमा से आगे निकल जाते हैं, जाते समय चित्र लेते हैं और डेटा एकत्र करते हैं। वे तेज और कुशल हैं, जो विभिन्न दुनिया की एक झलक प्रदान करते हैं। वायेजर 1 और 2 के बारे में सोचें, जिन्होंने हमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की आश्चर्यजनक छवियां दी। ऑर्बिटर दीर्घकालिक आगंतुकों की तरह है। वे एक ग्रह या चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में प्रवेश करते हैं, एक विस्तारित अवधि में इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। वे ग्रह के वायुमंडल, सतह और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। कैसिनी के बारे में सोचें, जिसने 13 वर्षों तक शनि की परिक्रमा की, इसके छल्लों और चंद्रमाओं के रहस्यों को उजागर किया। लैंडर सच्चे खोजकर्ता हैं। वे एक ग्रह या चंद्रमा की सतह पर उतरते हैं, प्रयोग करते हैं और नमूने एकत्र करते हैं। वे खगोलीय पिंड की संरचना और इतिहास के बारे में सबसे विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। क्यूरियोसिटी के बारे में सोचें, जो वर्तमान में मंगल ग्रह पर घूम रहा है, पिछले जीवन के संकेतों की तलाश कर रहा है। ये रोबोटिक खोजकर्ता प्रत्येक अपनी अनूठी क्षमताओं के साथ सौर मंडल की हमारी समझ का विस्तार करने के लिए एक साथ काम करते हैं। खंड 4, अंतरिक्ष में भारत का उदय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो के साथ भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। अपेक्षाकृत मामूली बजट पर उल्लेखनीय कारनामे हासिल किए हैं। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि की। 2014 में भारत ने मंगल की कक्षा में मंगलयान स्थापित किया। इसरो की भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन शामिल है। ये मिशन भारत की स्थिति को और मजबूत करेंगे। खंड 5, अनंत और उससे आगे।
अंतरिक्ष अन्वेषण मानव जिज्ञासा, सरलता और ज्ञान की अथक खोज का प्रमाण है। यह संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने और भविष्य की पीढ़ियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। अंतरिक्ष अन्वेषण से वापस आने वाली हर तस्वीर, हर खोज, हर मील का पत्थर हमारी कल्पना को प्रज्वलित करता है और ब्रह्मांड को जानने की हमारी इच्छा को हवा देता है। अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, हम दूर के ग्रहों, चंद्रमाओं और उससे आगे के और भी महत्वाकांक्षी मिशनों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। हम एक दिन मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेज सकते हैं, बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगा सकते हैं और शायद हमारे ग्रह से परे जीवन की खोज भी कर सकते हैं। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जिसके अनावरण का इंतजार है। आइए हम अन्वेषण करना, खोज करना और अंतरिक्ष की विशालता और इसकी संभावनाओं से प्रेरित होना जारी रखें। महान खगोल शास्त्री कार्ल सागन के शब्दों में कहीं न कहीं कुछ अविश्वसनीय झात होने की प्रतीक्षा कर रहा है।